हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आरपीएफ में जो 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके बारे में। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आए थे, उनको शुरू करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भू क्षेत्र वाला है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। सबसे कम क्षेत्र वाला हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप है। आपको इनका क्रम दिया गया कौन से नंबर पे है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए संवैधानिक विचारों का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो भाषण और अभिव्यक्ति जो हमारे पास है समानता का अधिकार के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हमारे पास भाषण दे रखा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान अनुच्छेद 19, आपसे पूछा जा सकता है भाषण और अभिव्यक्ति किस संविधान के अंतर्गत बात की है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत बात की है, तो 19 के तहत बात की गई है, आजादी के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 में कौन सा आता, समानता का अधिकार, और 25 से 28 में आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और हमारे 32 में आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा था, खुजाराओं मंदिर, मातंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। तो ऑप्शन से ए सही हो जाएगा, खुजाराओं का मंदिर। देखो नागर शैली में निर्मित खुजाराओं का मंदिर जो है कामुक चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छत्रपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंद्रवंश ने सबके शासकों द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारत स्थापना के महत्वपूर्ण के नमूनों में से एक है। आपसे पूछ सकता है कि खुजाराओं का मंदिर किस कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के छत्रपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रवंश के शासकों द्वारा कराया गया। कब करा गया था, 1950 से 1050 के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, तरल माध्यम में केवल पानी, शासक क्वेश्चन है, तो मिश्रण को क्या कहा जाता है, परजीव मिश्रण, गर्म निरोधक मिश्रण और अत्यधिक यौगिक और समपार्श्विक मिश्रण। तो ऑप्शन डी सही है इसका, समपार्श्विक मिश्रण। कैसे सही है देखो, बताते हैं, समपार्श्विक मिश्रण का मतलब होता है समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण किसी भी भाग के संगठन या किसी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, जिनके अभिकणों का अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे जल में नमक का विलयन। और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण के बारे में पूछ सकता है। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो विभिन्न भिन्न भागों का संगठन एक दूसरे भिन्न भिन्न होते हैं और इनके अभिकणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे हम पानी में तेल का मिश्रण करते हैं, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर एक है जड़ों मिट्टी से, ऑप्शन बी जंग की रॉकी मिट्टी से, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी से, ऑप्शन डी है काली मिट्टी से। तो देखो आपको बता दूं, हमारे भारत का अधिकांश भाग जड़ों मिट्टी से ढका हुआ है, जड़ों मिट्टी से ढका हुआ है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत का अधिकांश भाग जड़ों मिट्टी पाई जाती है, अधिकांश भाग क्या होता है, जड़ों मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जड़ोल मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जड़ोल मिट्टी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदी द्वारा लाई गई थी। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी मिट्टी जिसमें कंकड़ नहीं पाए जाते, ये जड़ोल मिट्टी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और हमारे पास जड़ोल मिट्टी भारत के लगभग कितने परसेंट है, 43% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ए की एफ आई, ए आई के एफ, फीफा और बी सी सी आई। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे पास, ए की एफ आई। इसका पूर्ण नाम होता है एमेच्योर कबड्डी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। यदि भी फीफा का संबंध फुटबॉल से जो फीफा है फुटबॉल से, बीसीआई का संबंध किससे है, हमारे पास क्रिकेट से है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से, देखो हमने कर लिया क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी, कब हुई थी? 1885 में, 1950 में, 1889 में, 1947 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में क्या था, ए ओ हुयूम, दादा भाई नरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योम चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में हुई थी, इसका प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्ष से चुना गया था, व्योम चंद्र बनर्जी को। कांग्रेस के पहले सत्र में के सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, सल्फर, ऑर्गन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक Ar है और परमाणु संख्या कितनी इसकी 18 है। यह कौन सी गैस है, निष्कर्षीय गैस है, जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। तो आपसे पूछ सकता है वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा गैस कौन सी है, ऑर्गन है। कितनी परसेंट है, 0.93% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं आर्गन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, कौन सा करता है, 8 बिंदु बे, डक्कन का संग्रह रास्ता, 10 डिग्री क्रिक या कोको बे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 डिग्री क्रिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करती है, करने वाली क्या है, जल संधि है। तो 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछ सकते हैं आप, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीप को अलग करती है, किसको दूर है, लक्षद्वीप और मालदीप को अलग करती है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुड मध्य या जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा, पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्षय रोग या टीबी किसके कारण होता है, प्रोटोजावा, कवक, वायरस और बैक्टीरियल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैक्टीरियल कारण होता है। क्षय रोग टीबी गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, या आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूब बैक्टीरिया के कारण होती है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से फैलता है। धातु है कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। किसको कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति होती है, शामिल हो रही है, बढ़ता है या कोई परिमाण नहीं है, डी संघर्ष। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संघर्ष। देखो जो हमारे पास दो संपर्क में घर्षण होते हैं, घर्षण का मतलब होता है दूसरे किसना, तो घर्षण के कारण एक दूसरे संपर्क में दो सतह क्या होती है, सापेक्ष गति क्या होती है, संघर्ष होती है, संघर्ष करते एक दूसरे को। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण, एक गतिज घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोरू झील किसके त्रिकोणी में पाई जाती है, किसके त्रिकोण में पाई जाती है, गंगा और महानदी के में, गोदावरी और कृष्णा के में, महानदी और गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमारे गोदावरी और कृष्ण के त्रिकोण में पाई जाती है। देखो कोलोरू या कोलोरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्ण जिले में मीठे पानी की एक झील है। देखो मीठे पानी झील आपसे पूछ सकता है, मीठे पानी की झील कौन सी है, कोलेरू झील हमारे मीठे पानी की झील है। कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्ण जिले में पाई जाती है। कोलोरू झील गोदावरी की और कृष्ण के त्रिकोण पर स्थित है। यह चिल्का झील व पुलगेट झील के तरह लैगून झील है। इससे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। आपसे वन्य जीव संरक्षण पूछ सकता है, तो कब, 1972 के तहत, तथा वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामांकित किया गया था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास,
लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मतलब कितने चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे पास 2। भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का आंगल भारतीय संविधान में नियुक्त करते हैं, परंतु 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अलग अलग अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सांसद भवन के लिए चुना जाता है, उस व्यक्ति को घर के अवांछित हॉल में किसके भीतर काम करने के बारे में कितने के भीतर काम करने में सूचित किया जाना चाहिए? 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 17 दिन। और ऑप्शन बी सही है 10 दिन। जन प्रतिनिधि अधिकतम 1951 की धारा 68(1) संविधान अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों सांसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को संसद के वांछित हॉल में 10 दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए। अतः विकल्प कौन सा सही है हमारे पास? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोशिका के नाभिक आविष्कार किसने किया था? कोशिका का नाभिक आविष्कार था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1665 में। कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, मौर्यलिंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सारनाथ में। अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ? वाराणसी में। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 से 4 दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग, रेयान। तो ऑप्शन डी सही है आपका, रेयान। रेयान है पुनर्जीवित सेलुलोज निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्रकृति रूप में से मिलने वाले बहुलोकों से किया जाता है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है। रेयन लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसे मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांस्य। तो ऑप्शन बी सही है हमारे पास, रजत पदक जीता था 2016 में। ठीक है, ये कहां की थी? हरियाणा सोनीपत की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण भारतीय मंदिरों को के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर। तो ऑप्शन ए सही है, गोपुर कहा जाता है। जो दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश को गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम या गोपुर। एक स्मारक है अंटलाक का होती है। यह प्राय शिल्प में सज्जित है, दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित है। हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश में से शोभायमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत पूरा करने के लिए क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा था? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और डी आर्थिक विकास। तो ऑप्शन बी सही है इसका, सतत विकास। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, ये नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक घनत्व इकाई क्या है? कोई नहीं, किलोमीटर, किलो प्रति मीटर स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घन मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो देखो आपको बताऊं, सापेक्ष घनत्व क्या होता है? इकाई रहित मात्र होता है। घनत्व कैसा है? ऐसा मात्र क्या होता है? किग्रा प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? किसने कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अलाई का मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करा गया था। कब करा गया था? 1311 में लाल बलुआ पत्थर से युक्त, लाल बलुआ पत्थर से करा गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक का था? 1290 से 1320 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी हमारा 273.15 डिग्री सी, ऑप्शन डी हमारा 273.15 डिग्री आर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 273.15 केल्विन, के फॉर केल्विन। गलनांक वह तापमान है जिसका एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है, जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान है, वही केल्विन में यह 273 के होता है। केल्विन का तापमान, जो केल्विन जो है तापमान की क्या एसआई इकाई है, तापमान की इकाई होती क्या होती है? केल्विन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? कौन सा है? ऑप्शन ए योसेमाइट फॉल्स, ऑप्शन बी है न्यू झरना, ऑप्शन सी है भूरा झरना, ऑप्शन डी है एंजल फॉल्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंजल फॉल्स। एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात है। यह वेंजुला यानी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ओरोनिको की सहायक नदी केरो नदी की सहायक नदी द्वारा नदी चूर्ण नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। कुंचिकल झरना भारत की सबसे ऊंचाई से गिरने वाला क्या है हमारे पास? जल प्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? किस में है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन डी कठोपनिषद, ऑप्शन डी उपनिवेशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत के एक राष्ट्र प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह मूलतः मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो अर्थव वेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ओलंपिक जो पदक जीत विजेता थे कौन थे? सुशील कुमार किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। कब जीता था? 2012 में। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता हुआ था। और 2009 में कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से या डी बुंदेलखंड से। ऑप्शन ए सही है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा? पिट्सबर्ग, ऑप्शन बी मास्को, ऑप्शन डी ओटावा, ऑप्शन डी लंदन। तो ऑप्शन ए सही है, पिट्सबर्ग को हमें लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मास्को रूस की राजधानी, ओटावा अमेरिका प्रांत, लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी पर, पेरियार पर, दामोदर पर या सरावती पर? ऑप्शन डी सही है हमारे पास, सरावती पर। सरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, सरावती नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक राज्य में बहती है। यह भारत की पश्चिम ओर की बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात यानी गरसपा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछने लगे कि महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको सरावती नदी जो कर्नाटक पर स्थित है।
पेरियार नदी का उद्गम कहाँ होता है? देखो दूसरा ऑप्शन घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मौलिक अधिकारियों में समानता का अधिकार क्या? देखो अभी हमने क्वेश्चन पहले पढ़ चुके थे, इसके मौलिक अधिकार कब किसके अंतर्गत आते हैं? 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं, जो समानता के अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार में हमारे पास कानून के समक्ष सभी लोगों के लिए क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। हमारे क्या मौलिक अधिकार है, किसी के लिए भी विभेद नहीं होने चाहिए, सभी के लिए समान होने चाहिए। ये हमारे पास 14 से 18 के अंतर्गत अनुच्छेद में इनका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसी वरम वर फर्स्ट ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कार्किल ने, या ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन सेकंड ने? तो ऑप्शन डी सही है आपका, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण वह महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। आपसे महाबलीपुरम मंदिर के बारे में पूछ सकता तो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने ही कराया था। ये कौन थे जिसे राजमल्ला के नाम से भी जाना जाता है? नरसिंह वर्मन किसके नाम से जाना जाता है? राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन से किसके शासक थे? पल्लव शासक थे। इसने सन 695 ईसा पूर्व से 728 ईसा पूर्व तक शासन किया था, जबकि महाबलीपुरम यानी कि मामलपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आपसे पूछने लगे मालमपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? केवल अल्पसंख्यकों को, केवल बहुमत को, सभी नागरिकों को, केवल विशेष समुदाय को? तो ऑप्शन सी सही है, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ये संविधान के अनुच्छेद 24 से 25 के अंतर्गत धार्मिक जो भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 25 में क्या आता है? अंतःकरण और धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। 26 में हमारे पास है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता। 27 में धर्म प्रचारों के लिए करों से मुक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक और संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लाल मिट्टी का रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के, फास्फोरस ऑक्साइड के, सिलिकॉन ऑक्साइड के, पोटेशियम ऑक्साइड के? तो ऑप्शन ए सही है, फेरिक ऑक्साइड से। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार व पूर्वी और दक्षिण भाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिण भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत अरंध्र युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1873 में, 1839 में, 1883 में, 1893? तो ऑप्शन डी सही है हमारे पास, 1893 में। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इस केंद्रीय परिषद में केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर कम से कम 10 से अधिकतम 16 कर दी गई थी। कम से कम 10 होने चाहिए और अधिकतम 16 होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना और स्लाइडिंग योजना? तो ऑप्शन ए सही है, दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है। लघु अवधि योजना क्या होता है? अल्प समय के लिए, कम से कम एक समय के लिए। वार्षिक योजना का मतलब एक साल के लिए। स्लाइडिंग योजना होती है आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन डी मेडप में, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में? तो ऑप्शन डी सही है, मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
शुक्र अपने अक्ष के किससे किस तक घूमता है, मतलब कौन सी दिशा तक घूमता है, उत्तर से दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, या पश्चिम से पूर्व तक। तो ऑप्शन सी सही है, पूर्व से पश्चिम तक। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, शुक्र दूसरा ग्रह है। यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य के परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्य के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर व शाम का तारा भी कहते हैं। भोर व शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में संघनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी बार बार एक धर्म का पालन करना, ऑप्शन सौंदर्यकरण, ऑप्शन डी सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष का राज्य का संबंधित है सुरक्षित, ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर है। धर्म का अर्थ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों के सम्मान में सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य नहीं किसी भी धर्म को अपनाता है और न किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्म निर्भरता को शामिल किया गया था। कब किया गया था, कौन से निर्देश में किया गया था हमारे पास संविधान में, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी हमारी प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली जिसके सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार निजी क्षेत्रों के साथ सरकार व निजी क्षेत्रों के साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बारे में पढ़ते देखिए क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है पूर्ण रूप से। पूंजीवादी में क्या होता है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप और निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य का राज्यपाल कौन है। मंत्रिपरिषद, सांसद, कैबिनेट और संसद समितियां। तो ऑप्शन सी सही है हमारे पास, कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, सलात पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन डी सही क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है और किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तेजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। कबूतर की, टिड्डी की, आधा लीली की, मेढक की। तो ऑप्शन सी है, आधा लीली की, हाफ लोटस बोलते हैं, आधा लीली, हाफ लोटस। अर्ध पद्मासन की स्थिति है, आधा लीली आसन श्रेणी टांगों और टखनों के आसपास की मांसपेशियों को फैलाता है। यह शरीर और मन को एग्रह करता है, इसलिए विकल्प क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक रहता है। 6 महीने, असीम, ये 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए, 1 वर्ष के। ऑप्शन सी सही है, 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए। किसके अंतर्गत अनुच्छेद, किसके अंतर्गत रहता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है। शहर से, बांध से, कैंसल से या मंदिर से। पंचायत शैली किससे संबंधित है हमारे पास, ऑप्शन डी मंदिर से। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर का निर्माण की शैली है। यह केंद्रीय मंदिर है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों में से घिरा है। द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां हैं। और बैसा शैली में भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर और बेलर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट फिस्ट यानी कि आर्टिस्ट जर्मनिस्ट किस संस्था से जुड़ा है। डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, और दोनगिन कप से, या आल्ज लाइन साहे कप से। तो ऑप्शन भी सही है हमारे पास, विश्व चैलेंज कप से, विश्व चैलेंज कप से। तो देखो क्या है, और क्या है, विश्व कप या फाउंडेशन इंटरनेशनल डी जर्मनिस्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जर्मनिस्टिक के लिए प्रतियोगिता श्रृंखला है। यह पहल एक विशेष संदर्भ में की गई थी क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर 4 साल में होती है। विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कौन थी, दीपा
कामर, कर कामर, मकर माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, लोगों का घर, विधानसभा और राज्यों का परिषद, या ऑप्शन डी संसद। ऑप्शन सी सही है, राज्यों का परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, राज्य परिषद को राज्य, राज्य को राज्य परिषद को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, शुल्क, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय तुलना पत्र, विदेशी मुद्रा विनिमय। तो ऑप्शन डी सही है हमारे पास, विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, क्रिकेट से, कबड्डी से, जैवलिन से, टेनिस से। तो ऑप्शन बी सही है हमारे पास, कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारो मैं कांदरे महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, कृष्ण को। तो ऑप्शन सी सही है हमारे पास, शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वित्तीय सहायता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी सही है, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता को निर्धारित किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्य मुख्य कार्य आरबीआई है, वित्त मंत्रालय का मुख्य कार्य आरबीआई का है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट में जो आई एक्ट प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ